नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। राज्य कैडर के सीनियर अधिकारी इस एसआईटी का हिस्सा होंगे। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। छात्र राजद के अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नाराज चल रहे हैं। नाराजगी को लेकर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। दिल्ली कैपिटल इंडियन प्रीमियर लीग में 14वें संस्करण के शेष चरण में खेलने के लिए शनिवार को यूएई के लिए रवाना होगी। स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पहले से ही फिटनेस कोच के साथ संयुक्त अरब अमीरात में है और बाकी टीम अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के समापन के बाद दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने राज्य के सभी जिला और सत्र जजों को फिजिकल मोड के साथ ही वर्चुअल मोड में भी निचली अदालत में कार्य प्रारंभ करने को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में वर्चुअल मोड में कोर्ट चलाने के साथ ही साथ फिजिकल मोड में भी यथासंभव कोर्ट खोलने को कहा गया है। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को उज्ज्वला योजना का नाम बदलने की नसीहत देते हुए कहा, रसोई गैस के दाम 25 रुपए और बढ़ाकर भाजपा सरकार ने आम लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुझ्वला योजना कर देना चाहिए। बिहार सरकार ने शिक्षकों के प्रमाण पत्र अपलोड करने का एक और मौका दिया है। शिक्षा विभाग का वेब पोर्टल फिर से खोला जा रहा है। 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक वैसे शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया वो अपलोड कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ स्थापना को भेजा है। दिल्ली के बॉर्डर पर 9 महीने में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ अब अन्ना हजारे भी दिखाई दे सकते हैं। 12 सितंबर को अन्ना हजारे के गांव रालेगन में किसान के आंदोलन को मजबूत करने और सबको एकजुट करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अब मान गए हैं, जिसके बाद से वो लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के आरोप पर कड़ा प्रतिकार किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पार्टी सर्वोच्च है, उसके रास्ते में कोई आएगा तो उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सभी तरह की बहुत सावधानी से अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। हमारा ध्यान अफगानिस्तान में सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सबसे ज्यादा है। राजधानी पटना में गंगा जिस तरह रफ्तार से चढ़ी थी उसे 3 गुना से भी अधिक रफ्तार से नीचे उतरने लगी है। वैसे तो इलाहाबाद से बक्सर तक गंगा खतरे के निशान से नीचे उतर गई है, लेकिन पटना से फरक्का तक अभी यह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुधवार को इसका जलस्तर मुंगेर तक गिरने लगा। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे के बीच बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में अब यह संभावना जताई जा रही है कि भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन सितंबर महीने में आ सकती है। ओडिशा के संबलपुर में ग्राम पंचायत में आजादी के 75 सालों के बाद बैंकिंग सुविधा शुरू हुई। बैंकिंग की सुविधा पंचायत में शुरू होने से 6 गांव के तकरीबन 5,000 लोगों को राहत मिलेगी। इससे पहले ग्रामीणों को ग्राहक सेवा केंद्र में पैसा जमा या निकालने के लिए मीलों दूर चलकर दूसरे गांव में जाना पड़ता था। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 36,401 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,23,22,258 पर पहुंच गई है। वहीं 530 और मरीजों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,33,049 पर पहुंच गई है। बेल बॉटम एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा है। फिल्मी ट्रेलर रिलीज के बाद से सुर्खियों में ये फिल्म बनी हुई थी। फिल्म की कहानी ये ज्यादातर इसमें लारा दत्ता के लुक ने वाहवाही बटोरी है। फिल्म को कोरोना के बाद थिएटर पर रिलीज किया गया है। WHO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भारत और युगांडा में नकली कोविशील्ड वैक्सीन पाई गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी इस बात की पुष्टि की है। वैक्सीन के नकली होने का पता इस पर लिखी जाने वाली जानकारी न होने से पता चला है। इसके अलावा 2 ml की नकली वैक्सीन भी पाई गई, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट इसका उत्पादन नहीं करता है। कौन बनेगा करोड़पति में इस बार टीम इंडिया के पूर्व कप्तान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी दिखने वाले हैं। लोगों ने अब तक गांगुली सहवाग की जोड़ी को क्रिकेट के मैदान पर देखा था, जो काफी सफल भी रही थी, लेकिन अब वो हॉट सीट पर नजर आने वाले हैं। कई देशों में डेल्टा वेरिएंट अभी भी अपना असर दिखा रहा है। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट को लेकर कई चौंकाने वाली स्टडी भी सामने आ रही है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ताजा स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लेने वालों पर भी हमलावर है। देश में आज से एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। देश भर में आज से फिर से मॉनसून के सक्रिय होने के आसार है। IMD और स्काईमेट वेदर ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले लाल किले से आधा दर्जन सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचे जाने की बात कही थी। इसके बाद अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने भी आयुष्मान भारत योजना के विस्तार के लिए तैयारी कर ली है। डीमैट रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के प्रमोटर और मालिक राधाकृष्ण दमानी दुनिया के टॉप 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दमानी अब दुनिया के 97वें सबसे अमीर व्यक्ति है, जिनकी कुल संपत्ति $19.3 बिलियन या $1.43 लाख करोड़ रुपए है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। योगी ने कहा कि माफियाओं की जमीन पर गरीबों और दलितों को बसाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माफियाओं के साथ जो भी रहेगा उसके पीछे सरकार का बुलडोजर भी रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल पूरे दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना खा रहे हैं। हाल ही में सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अपने आवास पर भोजन के लिए बुलाया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी चतुर्मास है और मैं इस दौरान एक ही वक्त भोजन करता हूं। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2021 सेरेमनी 5 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 44 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टीचर्स अवार्ड 2021 के लिए चुने गए शिक्षकों की सूची उनके स्कूल के नाम के साथ जारी की है। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन फिर शुरू हो गया है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से लगभग 150 भारतीयों को कतर एयरवेज से दोहा भेज दिया है। अब दोहा से ये लोग दिल्ली लाए जाएंगे। इस साल अक्टूबर में जब नॉन आईएएस अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA पहुंचेंगे तो आईएएस अधिकारी के साथ एक हफ्ते की मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। बता दें यह प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। स्पेशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने घोषणा की है कि उसकी अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी गुरुवार से लागू हो गई है। एक ब्लॉग पोस्ट में उपयोगकर्ताओं को इसकी अद्यतन सेवा की शर्तों के बारे में सूचित करते हुए ट्विटर अपनी गोपनीयता नीति में बदलाव को नोट करता है, जिसमें ट्विटर ब्लू, ट्विटर स्पेस, भुगतान सुविधा और इसी तरह के आसपास के लोग शामिल है। बैंक लॉकर को लेकर रिजर्व बैंक ने नियम में बदलाव कर दिया है। अभी तक बैंक लॉकर में अगर चोरी हो जाए या अन्य किसी तरह के नुकसान हो जाए तो बैंक उसकी भरपाई नहीं करते थे, लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यातायात पुलिस केवल फोटो खींचकर वाहन चालक के पास चालान नहीं भेज पाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आयुष्मान अधिकारी पत्र लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके जरिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। इस योजना को जन जन तक पहुंचाया जा सकेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार की पकड़ से बचाने के लिए एक उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित की है। DRDO की जोधपुर स्थित प्रयोगशाला ने पुणे स्थित संगठन की प्रयोगशाला हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी के साथ मिलकर यह प्रौद्योगिकी विकसित की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमन कुमार, गौरव कुमार, हिमांशु पटेल, पंकज कुमार दास, राहुल कुमार, पिंकी कुमारी, रोशन कुमार, सिफोन ठाकुर, पूर्णिया, नदरुद्दीन खान, अभय कुमार सिंह, रामाशील पाल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजद में जारी खींचतान के बीच पार्टी को बटने से क्या बचा पाएंगे तेजस्वी और लालू? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।